अब टेस्ट में भी सिक्सर किंग बने रोहित शर्मा, तोड़ा सिद्धू का 25 साल पुराना रिकॉर्ड। बतौर ओपनर अपना पहला मैच खेल रहे रोहित शर्मा के लिए अब तक विशाखापट्टनम टेस्ट बेहद शानदार गुजर रहा है। पहली पारी में 176 रन बनाकर कमाल करने वाले हिटमैन दूसरी पारी में भी रिकॉर्ड बुक तहस नहस कर दिया। 127 रन बनाकर इतिहास रचने वाले रोहित अब एक टेस्ट में सर्वाधिक छक्के उड़ाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं। रोहित ने नवजोत सिंह सिद्धू के रिकॉर्ड को तोड़ा है। सिद्धू ने 1994 में लखनऊ में श्रीलंका के खिलाफ 8 छक्के लगाए थे। रोहित एक वनडे और टी ट्वेंटी में भी सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय हैं। उन्होंने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु वनडे में 16 छक्के लगाए थे। इसके बाद 2017 में इंदौर में खेले गए टी ट्वेंटी में श्रीलंका के खिलाफ 10 छक्के लगाए थे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच विशाखापट्टनम में जारी पहले टेस्ट की दूसरी पारी में रोहित शर्मा ने 6 छक्के लगाए थे। दूसरी पारी में हिटमैन ने 7 छक्के जमाए, जिसके साथ ही वो किसी एक टेस्ट मैच में भारत की ओर से सबसे अधिक 13 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बना गए। बताते चलें कि शनिवार को पहले टेस्ट के चौथे दिन समाचार लिखे जाने तक भारत अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर 253 रन बना चुका है। पहली पारी के आधार पर अब वे दक्षिण अफ्रीका से 324 रन आगे हैं।